और दोस्तों आपको पता है कि वीवो की जो वी सीरीज होती है वो इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलर मानी जाती है। हाल ही में दोस्तों वीवो ने अपना एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम है दोस्तों वीवो V19। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये 25 मार्च को इंडिया में लॉन्च होना था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कोरोना वायरस के चलते ये इंडिया में लॉन्च नहीं किया गया है, तो हो सकता है ये आपको मई के महीने में देखने को मिल जाए। लेकिन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च हुआ है, कितनी प्राइस के साथ लॉन्च हुआ है और कितनी प्राइस के साथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा और क्या कुछ नया आपको वीवो के V19 में देखने को मिल रहा है, वेल सब कुछ बता रहे हैं आपको इस वीडियो में, तो वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तु टेक चैनल पे। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पे वीवो के V19 की डिजाइन के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि वीवो के जितने भी स्मार्टफोन आते हैं वो जो डिजाइन आते हैं वो काफी ज्यादा कमाल की आती है। यहाँ पे आपको कुछ डिजाइन इस बार नई देखने को मिल जाती है। बैक में यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेंसर देखने को मिल रहा है, ये आपको साइड में देखने को मिल रहा है। ये जो टाइप के सेंसर आ रहे हैं वो सारे के सारे स्मार्टफोन के साथ आ रहे हैं। सैमसंग के स्मार्टफोन आए थे उनमें भी इस टाइप की शेप दी गई थी कैमरे के साथ, तो दिखने में काफी ज्यादा प्यारी भी लगती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये ग्लॉसी के साथ आ रहे हैं, ग्लॉसी ग्लास के साथ आए हैं। इन द सेंस ये कि यहाँ पे जो दिखने को ये ग्लास लगता है ये वाकई में एक्चुअल में ग्लास नहीं होता है, ये पॉलीकार्बोनेट की बॉडी देखने को मिलती है। और दोस्तों जैसा कि आप कलर तो देख ही पा रहे होंगे मेरी स्किन पर कितना ज्यादा प्यारा लगता है, ब्लैक और व्हाइट बहुत ज्यादा शाइनी लगते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं डिजाइन काफी ज्यादा अच्छी है। वहीं दोस्तों बात करें वीवो V19 की डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.44 इंच की डुअल पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है और ये डिस्प्ले आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। मैं आपको बता दूं डुअल पंच होल डिस्प्ले है जो यहाँ पे आपको राइट में टॉप पर दो कैमरे का सेटअप भी देखने को मिल जाता है। और जैसा कि दोस्तों आपको बताया सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो यहाँ पे जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है वो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर रहने वाला है। वैसे दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, Redmi K30 Pro और Realme X50 Pro ये दो स्मार्टफोन आए थे, ये भी आपको डुअल पंच होल स्क्रीन के साथ देखने को मिले थे, वो भी दोस्तों कमाल के स्मार्टफोन थे और उन्हीं को कम्पीट करने के लिए दोस्तों ये Vivo V19 आ रहा है। तो दिखने में दोस्तों काफी ज्यादा प्यारी लगती है डुअल पंच होल डिस्प्ले। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं डिजाइन और डिस्प्ले के लिए मैं Vivo को एक बड़ा सा थम्स अप देना चाहता हूँ, अगर आपको पसंद आई हो तो आप दे सकते हैं। चलो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे चीज और क्लियर कर दूं कि आपको दो वेरिएंट में देखने को मिलेगा, 8GB 128GB और 8GB 256GB। कमाल की बात यह है दोस्तों यहाँ पे आपको माइक्रो डेडिकेटेड एसडी कार्ड का स्लॉट भी देखने को मिल जाएगा, मतलब यहाँ पे आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिलने वाला है जिसकी मदद से अगर आपको जरूरत पड़ती है तो आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर पाएंगे। दोस्तों जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा था कि बैक में यहाँ पे आपको क्वाड कैमरे का सेंसर देखने को मिल रहा है, तो चलिए उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे रियर सेंसर 48 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग का GM1 सेंसर दिया गया। अगेन आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिल जाता है। 2 मेगापिक्सल का दोस्तों यहाँ पे डेप्थ सेंसिंग देखने को मिलता है। अगेन आपको 2 मेगापिक्सल का माइक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। ओवरऑल दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं इस टाइम पर वो 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ या 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ आ रहे हैं। वैसे दोस्तों इस टाइम पर मुझे ऐसा लगता है कि वीवो को 64 मेगापिक्सल क्वाड कैमरे के साथ आना चाहिए था, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा 10,000 रुपए के फोन में भी देखने को मिल जाता है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ दोस्तों एक नजर तो आपने डाली थी यहाँ पे इसके बैक कैमरे की, तो कुछ खास नहीं था, लेकिन ये सबसे दोस्तों यहाँ पे इसका फ्रंट कैमरा काफी ज्यादा कमाल का है, जहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का प्लस 8 मेगापिक्सल का सेल्फी देखने को मिल जाता है और 8 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड सेंसर दिया गया है जिसकी मदद से आप अपने सेल्फी कैमरे से ग्रुप के फोटो ले पाएंगे। पहले क्या होता दोस्तों कि आप फ्रंट कैमरे से ग्रुप के फोटो नहीं ले पाते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल है, जहां आपको 32 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है, तो ओवरऑल दोस्तों फ्रंट का कैमरा काफी ज्यादा अच्छा है। अगर आपका प्रायोरिटी फ्रंट कैमरा है तो मैं जरूर से कहना चाहूंगा कि आपके लिए स्मार्टफोन अच्छा है। लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या होता है कैमरे के साथ सेकेंडरी जो लोगों की चीज बनती है वो बनती है परफॉर्मेंस, क्योंकि क्या कहते हैं लोग सबसे ज्यादा कैमरे पे फोकस करते हैं, उसके बाद दोस्तों देखते हो परफॉर्मेंस, क्योंकि सारे लोग अपने फोन में मल्टीटास्किंग करते हैं, कोई गेम वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें चलाते हैं। तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 712 चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, मतलब 712 चिपसेट आपको देखने को मिलता है, विच इज अ डिसेंट प्रोसेसर, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा अच्छा है। इस टाइम पर दोस्तों क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 845 आता तो मच बेटर हो सकता था, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रोसेसर थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट हो सकता था। वैसे दोस्तों कैसी लग रही है आपको ये वीडियो, मोबाइल अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, वीडियो कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताएं। और हाँ दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दो। चलो दोस्तों बात करेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी बैटरी के बारे में, क्योंकि आपको बताया 6.44 इंच की यहाँ पे आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है,
तो बैटरी भी थोड़ी सी अच्छी रहनी चाहिए। तो उसको देखते हुए यहाँ पे वीवो वालों ने 4500 mAh की बैटरी डाली है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ आती है और 3.5mm ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिल जाता है कि यहाँ पे आपको 13 वॉट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल रहा है। कंपनी का क्लेम है कि आपका आधा घंटे में 45 मिनट के परसेंट में चार्ज हो जाएगा आपका मोबाइल, मतलब आप कह सकते हैं कि आधा घंटे में आपका फोन जो है वो 50% चार्ज हो जाएगा। इन द सेंस ये कि एक घंटे में आपका फोन पूरा चार्ज होने वाला है। चलो दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या आपको ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है या नहीं है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा 8GB 128GB वाले स्टोरेज की जो प्राइस रहने वाली है बेस वेरियंट की वो 25,000 से 27,000 रुपए के आसपास रहने वाली है, जो कि मैं कहूंगा कि विच इज अ मिडिल प्राइस, आप कह सकते हैं अच्छी प्राइस है, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रखी गई है और इतनी प्राइस उसको बनती भी है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे अगर प्रोसेसर और इम्प्रूवमेंट हो जाता तो मच बेटर होता। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी नहीं है परफॉर्मेंस को लेकर के, बाकी सारी चीजें आप देखना चाहते हैं, तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि वीवो का V19 अच्छा रह सकता है अगर दोस्तों आप वीवो के फैन हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपको लॉन्च दोस्तों देखने को मिलेगा वो मई के महीने में आएगा, क्योंकि इस टाइम पर तो आपको पता है कि भारत की कंडीशन कैसी है, तो यहाँ पे अभी फ्लिपकार्ट अमेज़न ने डिलीवरी भी बंद कर दी है। वैसे दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीवो का V19 हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा, अगर आपको हो सकता है मोबाइल अच्छा लगा है या ना लगा है, वीडियो कैसी लगी है ये हमें जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर दीजिएगा, और चैनल पे बने हुए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है नए आ गया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो चेक करिए आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन किया है कि नहीं किया है। मैं मिलूंगा आपको नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।